जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें है इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन, मेट चॉइस। इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन जो है ये इसमें फीमेल चूज़ करती है मेल को, ठीक है ना। क्राइटेरिया बाय विच द फीमेल चूज़ द मेट्स। तो इसमें जो शुरू में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसका बनता है वो यही है कि मेल की सिलेक्शन के लिए फ़ीमेल का क्या क्राइटेरिया होता है। वो ऐसे मेल को सिलेक्ट करती है जिसकी रिप्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसके पास पेरेंटल केयर ज़्यादा होती है, यानी वो ऐसे मेल को सिलेक्ट करती है जिसकी वजह से उसको आसानी रहे और उसके बाद जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो भी बन सके। तो ग्रेजुअली हम इसको देखते हैं। ह्यूमन क्राइटेरिया भी यही है कि हम जब किसी को सिलेक्ट करते हैं तो उसके फीचर्स देखते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो एनिमल किंगडम में ये एग्ज़ाम्पल दी गई हैं, इसमें भी वो आपको यही बता रहा है कि किन किन फीचर्स की बेस पर फीमेल जो है वो मेल को चूज़ करती है, ठीक है। तो पहला जो फीचर इसका आता है, फर्स्ट करेक्टर जो आता है, एबिलिटी टू प्रोवाइड सफिशेंट स्पर्म्स। तो वो ऐसे मेल को सिलेक्ट करेंगे जिनके पास सफिशेंट स्पर्म्स हों। इसका मकसद क्या है? ताकि उनकी जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है उस पर फ़र्क ना पड़े। रिप्रोडक्टिव सक्सेस तभी मेनटेन, जब वो रिप्रोड्यूस करना चाह रही है तो वो उसको इतने स्पर्म मिल जाएँ ताकि वो उसका जो स्पॉनिंग टाइम है या जो उसका ब्रीडिंग टाइम है वो वेस्ट ना हो, ठीक है ना। इसमें वो एग्जांपल हमें दे रहा है जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है, वो ये क्रेब के ऊपर किया है, फीमेल स्टोन क्रेब, ठीक है। फीमेल स्टोन क्रेब के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। इस पर उन्होंने इनको रखा है, फीमेल को। इन द फर्स्ट थ्री एक्सपेरिमेंट्स दे डिटरमाइंड दैट फीमेल स्टोन क्रेब प्रेफर द लार्ज मेल टू द स्मॉल मेल्स एंड फीमेल यूज़ द केमिकल क्यूज। ये आपका कॉन्सेप्ट है, केमिकल क्यूज पे जो फीमेल हैं वो मेल को जो है वो सिग्नल करती हैं, उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक हो गया जी। इन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 30-30 मेल्स ली हैं, 30 लार्ज मेल ली हैं, ठीक है जी। ये 30 लार्ज मेल जो हैं ये पहले फीमेल के साथ ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर ये 30 लार्ज मेल वर अलाउड टू मेट विद अ 4 स्मॉल फीमेल, ठीक है। तो चूंकि ये मेटिंग करते रहते हैं, इस वजह से इनको डिप्लीटेड मेल कहा, डिप्लीटेड इन सेंस ऑफ स्पर्म्स, क्योंकि मेटिंग में उनके स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज होते रहे हैं, इजैकुलेशन होती रही है, इसीलिए आप इनको क्या कह रहे हैं, डिप्लीटेड मेल कह रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे, ऑन अनदर 30 लार्ज मेल वर कैटेगराइज अनमेटेड मेल। अब ये अनमेटेड मेल जो हैं ये देखें ना, दैट वर नॉट गिवन द एनी एसेस टू द फीमेल, अनमेटेड मेल हैं। तो ये दो जो हैं उन्होंने दो ग्रुप बना दिए, एक मेटेड मेल का और एक अनमेटेड मेल का। जो मेटेड मेल हैं जिन्होंने पहले मेटिंग की है उनको उसने नाम दिया, जो मेटेड मेल्स हैं जिन्होंने पहले मेटिंग की है वो डिप्लीटेड मेल हो गए, डिप्लीटेड इन द सेंस ऑफ स्पर्म्स। और अनमेटेड मेल जो हैं जिन्होंने मेटिंग नहीं की, डोंट हैव प्रायर एक्सेस टू द फीमेल। तो अब क्या हुआ, अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक, ये आप ग्राफ में देखें आपको ज़्यादा समझ आएगी, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने डिज़ाइन किया, इसकी कोरियोग्राफी हुई है, ये नीचे इसकी डिटेल भी लिखी हुई है। अब ये देखें ना, दो उन्होंने वायल ली और इन वायल्स के अंदर ये सुराख हैं छोटे छोटे, और ये टेस्ट फीमेल हैं, ये जो फीमेल जिनके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है ना। ऊपर वो आपको क्या दिखा रहा है, ये हाँ ये प्लास्टिक ओपा क्यू पाइप्स हैं, यानी इनकी विजिबिलिटी बड़ी क्लियर है। तो अब क्या होता है कि ये जो अनमेटेड मेल और 30 ये हैं, 30 यही हैं, तो ये दरमियान में फ़ीमेल हैं। अब हमने देखना ये है कि फ़ीमेल मेटेड मेल की तरफ मूव होती हैं या अनमेटेड मेल की तरफ उनको प्रेफर करती हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने देखा, ये जो ओपनिंग, जो सी वाटर जो है उसने मूव किया बीच में, जिसमें से केमिकल क्यूज़, ये जो मैंने आपको पीछे वो मार करके बताया था, केमिकल क्यूज़ फ़ीमेल की तरफ से मेल की तरफ गए, तो और मेल किस तरफ से फ़ीमेल की तरफ आए, यानी कैसे पता चला, फ़ीमेल को कैसे पता चला कि ये अनमेटेड है या मेटेड है, तो उसके केमिकल क्यूज़ की वजह से पता चला। तो ये जो फीमेल जो हैं ये अट्रैक्ट हुई टूवर्ड्स द अनमेटेड मेल, अनमेटेड मेल की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हुई क्योंकि इन्होंने पहले मेटिंग नहीं की हुई थी, इनके सेक्सुअल सिग्नल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो फीमेल को पता था कि इस तरफ से स्पर्म ज़्यादा मिलेंगे, इनका रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ये वर्ड आपने आंसर में लिखना है, इनका रिप्रोडक्टिव सक्सेस इन मेल्स की वजह से ज़्यादा होगा, इसलिए वो अनमेटेड मेल की तरफ जो पहले मेटिंग जिन्होंने नहीं की हुई उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई एज़ कम्पेयर टू डिप्लीटेड मेल। डिप्लीटेड मेल का मतलब ये है कि जिन्होंने मेटिंग की थी उनके स्पर्म कम हो गए। ये ग्राफ में भी देखें, ये अनमेटेड मेल की तरफ जो है ये सारी फीमेल अट्रैक्ट हो रही है, जबकि मेटेड मेल या डिप्लीटेड मेल की तरफ बहुत कम है। तो कैसे पता चला इनको, केमिकल क्यूज़ की बेस पर, केमिकल कीमो रिसेप्शंस की वजह से पता चला, जिसकी वजह से वो अनमेटेड मेल की तरफ अट्रैक्ट हुई।